हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि शुड यू स्टार्ट योर आईएमयू सीईटी प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन ओनली। एक्चुअली हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे ये पर्टिकुलर कमेंट आया था, और पिछले काफी सारे वीडियोस के ऊपर नीचे वीडियोस के नीचे होते हैं ये सारे कमेंट्स। काफी सारे पिछली वीडियोस के नीचे ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आपको आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, कब से शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, बहुत ज्यादा डाउट है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर डाउट को सॉल्व करने वाले हैं कि क्यों आपको अभी से आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या करनी चाहिए ये जानने से पहले, वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेते हैं कि क्या आपको अभी से जो है आईएमयू सीईटी जो 2021 में होने वाला है, जो समर्स में, क्योंकि मोस्टली होता है अराउंड मे एंड में या फिर जून की स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं, हालांकि वो रिलीज हो जाते हैं अप्रैल में ही, टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में भी, तो आपको क्या उस पर्टिकुलर एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं ऑफकोर्स, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ऑफकोर्स सी बात है आप देना चाहते हैं, तो क्या आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी जो ऑलमोस्ट मिड दिसंबर जो है खत्म हो चुका है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द दिसंबर, तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उसके फायदे हैं या फिर आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट एंड सटीक सा आंसर दे देता हूँ, उसके बाद मैं उस आंसर को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सिंपल सा आंसर है कि हाँ ऑफकोर्स अभी के अभी आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जो है जितना जल्दी जो है आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों आपके लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, अभी आप 12th की जो है बोर्ड की जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और आईएमयू सीईटी का जो एक्चुअली जो सिलेबस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, दोज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ योर 12th। इनफैक्ट द सिलेबस इज प्रीटी इजी एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ 12th। तो अगर आप 12th के साथ साथ आईएमयू की भी पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी होगा पर्टिकुलर जो आईएमयू एग्जाम है उसकी पढ़ाई करना। वरना अगर आप बाद में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो क्या होता है कि अगर आप समझ लीजिए आपके मिड मार्च तक आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं बोर्ड के, उसके बाद एक काफी लंबा गैप रह जाता है, और उसके बाद अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपके माइंड में वो सब चीजें फ्रेश नहीं होती है, आपको अच्छे से पता नहीं चलता है कहाँ से स्टार्ट करना है। मोस्टली यही लोगों को दिक्कत आती है कि फिर कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ पे एंड करे, कुछ समझ में नहीं आ जाता, बहुत ज्यादा हैवक बन जाता है उनकी जो इस प्रिपरेशन होती है आईएमयू सीईटी की। तो उस पर्टिकुलर ट्रैप में फंसने से बढ़िया यही है कि अगर आप अभी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं साइड बाय साइड थोड़ा सा भी आईएमयू सीईटी का, अगर रोज का अगर आप 15 टू 20 मिनट्स भी निकाल देते हैं, देन ट्रस्ट मी इट इज मोर देन इनफ। जी हाँ, आपको कोई रोज के 4 घंटे 5 घंटे नहीं निकालना है, आपको कुछ आईआईटी क्लियर नहीं करना है। आईएमयू सीईटी है डिफिकल्ट एग्जाम, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ यू टेक आउट टाइम ऑफ 15 टू 20 मिनट्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट बाय ओनली 5 मिनट्स पर वीक, इट इज मोर देन इनफ, यू विल गेट अ रियली रियली गुड रैंक। एंड विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, अगर आप अभी से अगर आप प्रिपेरेशन करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो एडवांटेज होगा वो बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से प्रिपेरेशन कर रहे हैं। और अगर आप एग्जाम जस्ट समझ लीजिए नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, आपको डेट आ गई है, तो आप इतनी ज्यादा प्रिपेरेशन नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये डाउट होगा कि क्या आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कम प्रिपरेशन के साथ भी, तो येस यू माइट क्लियर एग्जाम। बहुत सारे लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, एग्जाम क्लियर करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बात आती है कि आपके एग्जाम में रैंक कितनी अच्छी आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी रैंक आएगी उतनी ज्यादा अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे देखो एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू द कॉलेज, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अगर आपको अच्छा नहीं मिला है तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम हो जाएगी। आजकल के टाइम पे मर्जी नेवी में बहुत ज्यादा कम जॉब्स हो गई हैं, तो उस वजह से बहुत ही आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगा अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में आप जा पाए, क्योंकि वहां पर आपको ऑफकोर्स जो है ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो अच्छा कॉलेज आपको कब मिलेगा, जब आपकी आईएमयू में अच्छी रैंक होगी। तो हाँ, आप आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन अगर आप अभी से करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप जब एग्जाम आएगा उस टाइम तक आप काफी बार जो अपना है रिविजन तक कर चुके होंगे, और उसी वजह से आप जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि आईएमयू सीईटी देने वाले हैं आप उनसे काफी ज्यादा आगे होंगे उस टाइम पर। इस टर्म को हम ये भी बोलते हैं एज अ गार्गेंचुअम कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब बाकी के लोगों के कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगा। और वो भी एडवांटेज कैसे मिलेगा, रोज के सिर्फ 15 मिनट्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन को दे देते हैं आईएमयू सीईटी की तरफ,
तो आपको ये एडवांटेज जो है वो पर्टिकुलरली मिल सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही कुछ ड्रास्टिकली डिफरेंट पढ़ना है 12th से 12th का। अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइड बाय साइड उसी से रिलेटेड जो होता है वो सिलेबस होता है, आप जो है वो भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जाते हैं तो आप ये बुक भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक देकर रखा है। इसके अंदर 500 से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि हमने खुद ने लिखे हैं रिसर्च के बाद में। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये पता करने में कि किस तरीके के सवाल जवाब पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए कुछ क्वेश्चन। तो अगर आप इस बुक को भी अगर आप थरोली अच्छे से पढ़ लेते हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब एक और पॉइंट जो है कि क्यों आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, मोस्टली काफी लाइट पॉइंट है। आप जब 12th का एग्जाम दे देते हैं उसके बाद में ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है और मैंने बहुत सारे लोगों को भी यही चीज करते हुए देखा है। एग्जाम हो गए फिनिश आपके मार्च में, उसके बाद में आप काफी एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। उसके बाद में आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो चाहते नहीं है कि पढ़ाई करें, और वो बिल्कुल सही चीज है एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आपने 12th में लिया है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, बोर्ड्स जब पास में आते हैं बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसके बाद आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा सा नाइस ब्रेक, कुछ महीनों का आपको एक अच्छा ब्रेक आप जो है आप डिजर्व करते हैं बिल्कुल कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए बोर्ड के, उससे लेकर कॉलेज ज्वाइन करने तक का वो पीरियड एक काफी ब्रेक पीरियड होना चाहिए, एक वैकेशन पीरियड होना चाहिए आपके लिए, ताकि आपको उस पीरियड में किसी पढ़ाई की दिक्कत ना हो, आपको किसी चीज की टेंशन ना हो, आप बस सुबह मन करे जब आप उठो, मन करे जब आप सो जाओ, पढ़ाई की आपको दिक्कत ना हो। और अगर अभी से अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा अब मुझे आईएमयू में रैंक लाने के लिए रात दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर आप एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन अगर देखा जाए ना तो आप वही एक्चुअली टाइम है ताकि आप एंजॉय कर सके, वरना एक बार कॉलेज चले गए तो आपकी लाइफ फिर से अगर जो है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाली है ऑफकोर्स वहां पे जाकर, तो उस जो पर्टिकुलर वैकेशन का टाइम है उसको भी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप फिर से बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे। आप जितनी ज्यादा ऊपर रैंक ला सकते हैं उतनी ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल सके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू इफ यू स्टार्ट लेटर, क्योंकि बाद में फिर आपको सब कुछ एक साथ में क्लियर करने को मांगता है, बाद में आप सब कुछ एक साथ में पढ़ोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने वाला है दिमाग पे। और मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का कि अपने दिमाग पे कभी एक साथ में इतना स्ट्रेस डालने का ही नहीं। आप अगर ग्रेजुअली अगर धीरे 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 मस्ती में अगर आप सब कुछ करते चले जाएंगे काफी आसानी से हो जाएगा। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें 12th के साथ में कब आपकी प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएगी आईएमयू सीईटी की आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से स्टार्ट करो और आई होप कि आपकी आईएमयू सीईटी में बहुत अच्छी रैंक आए और आपकी प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन का जो पीरियड है वो काफी ज्यादा अच्छा हो। तो के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको और कोई भी डाउट है, लिटरली कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। हम जो है कमेंट्स का रिप्लाई, जितने भी रेलिवेंट कमेंट्स होते हैं हम उन सारे रेलिवेंट कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट रिप्लाई करते भी हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी जरूर लिखें कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। जैसे ये वीडियो बनाया है रिक्वेस्ट पे, तो वैसे ही हम और भी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, वरना तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन के लिए तुमको वो सब्सक्राइब करने के बाद एक जो बेल आइकन आता है ना उसको क्लिक करना पड़ेगा और ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा फिर ऊपर, ताकि तुमको हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो, और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।